हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड कप 2023 के 13वें मुकाबले के बारे में बात करेंगे, जो कि इंग्लैंड और अफगानिस्तानी टीम के बीच में होना है। ये मुकाबला खेला जाएगा 15 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पर। और आज के इस वीडियो में फैंटेसी क्रिकेट संबंधित सारे फैक्ट्स हम यहाँ पर रखने वाले हैं और समझने का प्रयास करेंगे कब हमको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और इसमें प्लेयर्स हमें कब कौन से पिक करने हैं, कब किस प्लेयर पर आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। जबरदस्त वीडियो है दोस्तों, अंत तक देखिएगा। लेकिन चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल पर आल वाला बटन ऑन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए। दोस्तों, इस मुकाबले को समझने के लिए सबसे पहले अगर हम पिच पे आएं तो यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिच है, ढेरों स्कोर बन रहे हैं। यहाँ पर जो मुकाबले हुए हैं, यहाँ पर अच्छे खासे स्कोर बन रहे हैं। दो मुकाबले इस वर्ल्ड कप में हो गए हैं और दोनों ही मुकाबलों में ढेरों रनों का अंबार लग रहा है। हम उम्मीद करेंगे ऐसी ही पिच यहाँ पर एक बार फिर से मिलेगी देखने को। लेकिन क्योंकि मुकाबला इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच है तो इंग्लिश बल्लेबाजी तो यहाँ पर ढेरों स्कोर बनाएगी, लेकिन अफगानी बल्लेबाजों को यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो इस उम्मीद के साथ हम पिच रिपोर्ट वाला वीडियो पिच पहले ही अपलोड कर दिए हैं, अब तक नहीं देखा तो देख लीजिए। फिलहाल वीडियो लंबा ना हो, हम चलते हैं प्लेइंग 11 पे और सिनेरियो चेक करते हैं कि कब हमें कौन से प्लेयर पिक करने हैं। तो सबसे पहले इंग्लैंड के लिए आए तो इंग्लैंड में जोनी बेरेस्टो, डेविड मलान, जो रूट, हैरी ब्रुक, जोस बटलर, लियाम लेविंगस्टोन, मोइन अली, सैम करन, आदिल रशीद, रईस टोपली और मार्क वुड की प्लेइंग 11 के साथ जा सकती है। तो अब दोस्तों, अब इनमें से हमें कौन से प्लेयर पिक करने हैं। सबसे पहले ओपनर जोनी बेरेस्टो, डेविड मलान बैटिंग पिच है, इन दोनों को रखना है। बेरेस्टो के साथ मलान दोनों बेहतर फॉर्म में है, साथ ही रूट और ब्रुक को भी रखना है। मतलब कि टॉप फोर तो इंग्लैंड का रखना ही है, चाहे बल्लेबाजी किसी भी टीम की पहले हो, उसके बाद थोड़ा सा देखने वाली चीज़ होगी। मतलब नंबर 5 पे आते हैं जोस बटलर, एक ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तब तो इनको रखना अनिवार्य है। लेकिन चेज करने की स्थिति में हो सकता है बटलर तक बैटिंग पहुंच ही ना पाए या फिर बहुत कम रनों की ज़रूरत रह जाए, तो ऐसे में बटलर का इम्पॉर्टेंस घट जाता है और यही कुछ कंडीशन उनके बाद आने वाले लिविंगस्टोन पर भी लागू होता है। इसके बाद दोस्तों, मोइन अली इतना खास पिक नहीं लग रहे हैं इस मुकाबले में, खासकर 10 ओवर की गेंदबाजी भी नहीं करते हैं और बैटिंग बहुत डीप है, तो यहाँ पर मोइन अली की बैटिंग आने के चांसेस बहुत कम हैं। सैम करन गेंदबाजी के लिए आप रख सकते हैं, बैटिंग की उम्मीद न रखिए। अफगानिस्तान के सामने थोड़ा बहुत यहाँ पर गेंदबाजी से पॉइंट दिला सकते हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बाकी के जो 3 गेंदबाज हैं, आदिल रशीद, रईस टोपली, मार्क वुड या फिर हो सकता है यहाँ पर एक्टिनसन या फिर किसी और को ले जाए, तो मतलब जो भी उनके प्रीमियम गेंदबाज हैं उनको रखने ही हैं। इसके अलावा टॉप फोर को तो ज़रूर रखना है और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो यहाँ पर कुछ चेंज करते हुए बटलर और लिविंगस्टोन की ओर भी देखना पड़ सकता है। अब दोस्तों, आते हैं हम दूसरी टीम अफगानिस्तान के लिए। तो यहाँ की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, अभी पहले जीत का इंतजार है इस वर्ल्ड कप में और इंग्लैंड के सामने भी ये इंतजार आगे बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। यहाँ पर अफगानिस्तानी टीम की अगर प्लेइंग 11 देखें तो रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जारदान, रहमत शाह, हसमतुल्ला साहिदी, नजीबुल्ला जारदान, मोहम्मद नबी, अजमतुल्ला ओमराजी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, फजल हक फारूकी और नवीन उलहक, ये ऐसी कुछ प्लेइंग 11 बन सकती है। अब दोस्तों, इनमें से हमें किस प्लेयर को रखना पड़ेगा। सबसे पहले ओपनर देखें, गुरबाज और इब्राहिम जारदान नो डाउट इस प्लेइंग 11 में इन दोनों खिलाड़ियों की सबसे अच्छी यहाँ पर पकड़ है, मतलब कि ये दोनों सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन थोड़ा सा इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ओपनिंग करने आ रहे हैं और इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने भी ये स्ट्रगल जारी रह सकता है। हालांकि अगर एक बार सेट हो जाए तो अच्छे स्कोर बना सकते हैं, किसी एक को आप पिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों, बाकी का कोई भी बल्लेबाज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। हालांकि पिछले मुकाबले में कैप्टन हसमतुल्ला साहिदी और उमराजी ने 50 जरूर लगाए थे, लेकिन ये हर मैच में नहीं चलते हैं। इनका जो इतिहास रहा है, कभी कभी एक आधा मैच चल जाते हैं, इसके बाद ये ड्रॉप ही ज़्यादातर फ्लॉप रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मोहम्मद नबी को ज़रूर पिक करेंगे। मोहम्मद नबी एक अनुभवी प्लेयर है, गेंदबाजी भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, हो सकता है कुछ पॉइंट दिला जाए। इसके अलावा राशिद खान इंपॉर्टेंट होते हैं, राशिद खान बैटिंग में भी थोड़े हाथ दिखा लेते हैं और इसके अलावा बेहतर स्पिन गेंदबाज हैं, जिनको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी का कोई खास पिक नहीं नज़र आ रहा है। अगर अफगानिस्तानी टीम पहले गेंदबाजी करती है तो फजल हक फारूकी को हम रख सकते हैं, क्योंकि बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है और डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करते हैं, तो यहाँ पर ये विकेट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अफगानी टीम पहले बैटिंग करती है तब इनको भी हम नहीं रखेंगे।
तो दोस्तों हम फाइनल टीम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक हमने चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नहीं लिंक काम करे तो आप सीधे भी क्रिकेट एक्सपर्ट बाय विवेक के नाम से सर्च करके जा सकते हैं। यहाँ पर हम ऑफिशियल पिच रिपोर्ट देने के साथ साथ सबके लिए बिल्कुल फ्री में फैंटेसी टीम प्रोवाइड करते हैं। तो फिलहाल जो हमारी इनिशियल टीम है, यहाँ पर हम दोनों ही इंग्लिश विकेट कीपर बटलर और बेयरस्टो के साथ जा रहे हैं। एक बार फिर से बताते चले, अगर इंग्लैंड चेज करेगा तो हो सकता है हम बटलर को ना पिक करें। इसके अलावा बैटिंग में रूट, मलान, हैरी ब्रुक, ऑलराउंडर में मोहम्मद नबी, उमराज जी, और गेंदबाजी में राशिद खान, क्रिस वोक्स, मार्क वुड और रईस टोपली हैं। टीम का कैप्टन, अगर अफगानी टीम पहले गेंदबाजी करती है तो हम राशिद खान को रखेंगे, और अगर इंग्लैंड की गेंदबाजी रहती है तो रईस टोपली के साथ जा सकते हैं। वाइस कैप्टन के रूप में बेयरस्टो को हम पिक करेंगे और मुकाबला आसानी से इंग्लैंड जीत जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।